हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं फिर से नागपुर टू पेंच। नागपुर से पेंच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 90 किलोमीटर्स है, और इस बार हम कौन से रिसॉर्ट पे रुके थे उसका फिर से मैंने रिव्यू वीडियो बनाया है, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेंच जो है नागपुर से 90 किलोमीटर पड़ता है, तो लगभग 1.5 से 2 घंटे में हम लोग यहाँ पे इजीली पहुँच जाते हैं। तो आप देख सकते हो बस ये लेफ़्ट साइड से पेंच का रास्ता शुरू हो जाएगा, ये रहा पेंच का बोर्ड। और यहाँ से अंदर जाते से ही आपको बहुत सारे रिसॉर्ट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो इससे पहले भी पेंच का मैंने एक रिसॉर्ट का रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है, रिवरवुड रिसॉर्ट का, तो आप वो चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल डाल दूंगी, और आप रास्ता देख सकते हो इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा रास्ता है। तो इस बार हम लोग जा रहे हैं और एक नए रिसॉर्ट में, तो हम लोग इस बार जा रहे हैं ट्राइबल कैंप में। तो मैं ये पूरा रिसॉर्ट कवर करूँगी और आपको दिखाऊँगी, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। और पेंच जो है वो नागपुर और जबलपुर के बीच में पड़ता है, तो मोस्टली दोनों को ही, जबलपुर और नागपुर के लोगों को बहुत पास में एक स्पॉट मिल जाता है। पेंच में जंगल सफारी भी होती है, तो अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसका अलग से पैकेज रहता है। तो बस आ गया है हमारा ट्राइबल कैंप, जहाँ पे हम लोग इस बार स्टे करने वाले हैं। यह है रिसॉर्ट का एंट्रेंस। और ये है हमारा कॉटेज जो हमें अलॉट किया था, तो आपको बताती हूँ मैं ये कॉटेज किस तरीके से इसका अरेंजमेंट था। आप देख सकते हो इस तरीके से बेड है, ये टॉवल से बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया इन्होंने, और इस तरीके से ये रूम था, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने एकदम सिंपल और सुंदर तरीके से रखा है इस कॉटेज को। आप देख सकते हो ये पीछे से इतना बड़ा एक ओपन गैलरी या टेरेस बोल सकते हो, आपको सिटिंग एरिया था ये, और इस तरीके से पीछे पूरा जंगल था। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे कॉटेजेस थे अलग अलग अलग। अब मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ। तो ये है वॉशरूम, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने कॉटेज को, सुंदर और सिंपल तरीके से कॉटेज को इन्होंने रखा है। शाम हो चुकी थी, हमने यहाँ पे शाम को चेक इन किया था, तो इस तरीके से ये शाम को यहाँ पे जब लाइट्स चालू हो रही थी तो बहुत ही सुंदर यहाँ का जो व्यू है वो दिख रहा था। आप देख सकते हो इस तरीके से कॉटेजेस है यहाँ पे,
वो जो आपको दिख रहा है वो है डाइनिंग एरिया, तो वहाँ पे मैं आपको लेके चलती हूँ। तो ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया ट्राइबल कैंप का, तो बहुत ही सुंदर ये एरिया मुझे लगा। चलिए अंदर देखते हैं, मैं बताती हूँ आपको। अगर आपको रीडिंग का शौक है तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी। तो यहाँ पे ये दोनों मंकीज बैठे हैं, घर में तो ये लोग कुछ भी पढ़ाई नहीं करते हैं पर यहाँ पे ये लोग रीडिंग कर रहे हैं। तो बाकी का जो रिसॉर्ट है वो मैं आपको मॉर्निंग में घुमाऊंगी, क्योंकि आज हम लोग बहुत थक गए थे। तो मिलती हूँ मैं आपको सुबह। और ये हो गुड मॉर्निंग, हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो ये है पोहा, चना, उपमा, और भी आप इन्हें कुछ बोलोगे तो ये बनवा के आपको दे देंगे। ब्रेड ऑमलेट है ये। तो ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट था सुबह का यहाँ पे। तो खाने के बाद मैं आपको बाकी पूरा जो रिसॉर्ट है वो घुमाती हूँ। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग आए हैं ट्राइबल कैंप में जो कि है पेंच में। ये एक रिसॉर्ट है, तो मैं आपको घुमाती हूँ। रिसॉर्ट आप देख सकते हो बैकग्राउंड में। अभी मैं रिसॉर्ट के एकदम सेंटर में खड़ी हूँ, तो इस तरीके से ये रिसॉर्ट है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो पीछे है ये कॉटेजेस है। तो अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो तो इस रिसॉर्ट में बिल्कुल आ सकते हो। ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज नहीं है यहाँ पे, पर अगर आपको नेचर पसंद है तो आपको ये रिसॉर्ट बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपको शांति चाहिए। तो चलिए घूमते हैं ये रिसॉर्ट। ये है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल से जैसे ही आप लेफ्ट जाओगे तो ये सारे कॉटेजेस स्टार्ट हो जाएंगे।
तरफ हम लोग रात को यहाँ पे बैठे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे रात को, लाइटिंग्स का जो इफ़ेक्ट था बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे ना फाउंटेन चालू था तो इसका जो पानी का आवाज़ आ रहा था बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे रात को बैठने में। और ये लोग बॉनफायर भी लगा के देते हैं अगर आपको चाहिए तो। और इस तरफ से आप जाओगे तो एक मचान टाइप का बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर भी सिटिंग एरिया है, यहाँ पे भी ऊपर बैठ सकते हो आप। ये जो है ये डाइनिंग एरिया है जो कि मैंने आपको रात को बताया था। तो अब हम लोग कर रहे हैं लंच। लंच में यहाँ पे राइस थे, आलू गोभी की सब्जी थी जो कि हम लोग खा चुके हैं, और ये बैगन का भरता था, पनीर की सब्जी थी, इसमें से पनीर हम लोग खा चुके हैं, मैंने थोड़ा बाद में वीडियो शूट किया था, और दाल थी। तो बहुत ही फूड जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है यहाँ का। तो अगर आप ये रिसॉर्ट में आना चाहते हो तो इस रिसॉर्ट की पूरी डिटेल आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो। हमारा जो पैकेज था उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी सब कुछ इंक्लूडेड था। तो यहाँ का जो फूड है वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही हेल्पफुल है, और बहुत ही अच्छा टीम वर्क है यहाँ के स्टाफ का, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो हमारी ये शॉर्ट पिकनिक यहीं पे ख़त्म होती है। हम लोग यहाँ पे कल आए थे और आज हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, और मेरी तरफ से ये रिसॉर्ट तो मुझे बहुत ही पसंद आया। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो आप बिल्कुल आ सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है ये। और अगर आप शहर की किचपिच से दूर थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हो तो ये बेस्ट प्लेस है। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरीके के मैं वीडियोज़ डालती रहती हूँ, और भी अलग अलग टॉपिक्स पे मेरे वीडियोज़ हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मिलती हूँ मैं आपको फिर से एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन बाय बाय।